नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। मैं हूं राकेश। युवराज सुधीर सिंह ने तरैया विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया घोषणा। YPL के संयोजक युवराज सुधीर सिंह ने मंगलवार को सारण जिले के पन्नापुर प्रखंड के बगडीहा गांव से अपने जनसंपर्क अभियान का शुरुआत किया। बगडीहा मठिया परिसर में आयोजित एक सभा में युवराज सुधीर सिंह ने कहा कि मैं यहां आप लोगों का आशीर्वाद लेने आया हूं, जो आशीर्वाद और स्नेह सन 1985 में पन्नापुर की इस धरती ने मेरे बड़े पापा को दिया था, उसी आशा एवं उम्मीद के साथ मैं आपके बीच आया हूं। उन्होंने कहा कि आप लोगों का सहयोग और स्नेह मिलेगा तो आने वाले विधानसभा चुनाव के समर में मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपके बीच आऊँगा। पूर्व के दो चुनावों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा परिवार जात की नहीं बल्कि जमात की राजनीति करते आया है। आप लोगों के मान एवं सम्मान के लिए मेरा परिवार सदैव तत्पर रहा है और रहेगा। सभा समाप्ति के पश्चात उन्होंने सभा में बैठे बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। सभा को संबोधित करने वालों में पूर्व प्रमुख बेबी देवी अजय राय, जिला पार्षद प्रतिनिधि अभिषेक रंजन सिंह, रंगधर राय, बलदेव राय, पैक्स अध्यक्ष सत्यदेव सत्येंद्र शर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम के समापन के बाद मीडिया से बात करते हुए युवराज सुधीर सिंह ने कहा कि क्षेत्र की जनता उन्हें आशीर्वाद दे दी है, वे इस विधानसभा चुनाव में तरैया से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। पन्नापुर से अमृता मिश्र की रिपोर्ट। आखिर 25 साल में कौन ऐसा परिवार ना रहे कि जोन चहला हमने से ना लेला केकरा के बलात्कारी दूर करे के काम ना कर कहीं शिक्षा गलत हो तो कहीं आंगनबाड़ी गलत हो तो कहीं जैसे बाजार बड़ी मंदारी से ताक दे ले रही है निश्चित पटे की तरह हम निकल ना कहीं ना कहीं सब लोग पटक ले पड़े। लेकिन हम अपन पूरा एहसान हो वाला कम कहानी है कम गलती माफ करना हमारे एहसान है कि गाँव हम कहीं ना कहीं अपन परिवार जो एक अच्छा हमने कर रही सन हमने के कहने का है फटाक ले बड़ी सन हम चाहत नहीं अगर रौला लोग अगर आदेश करे तो ये दो तीन महीना हमारा समय मिला था दो तीन महीना समय मिला था अभी के लोगों से जैसे बगडीहा में मैं मानापुर के छोटा सा एक गांव है बगडीहा, वहां पर लोगों को मानापुर के लोगों को पांच पंचायत के लोगों को बुलाकर यहां पर इकट्ठा किया था और आदेश लेने की बात थी तो लोगों ने दोनों हाथ उठाकर मेरा पीठ ठोककर आशीर्वाद दिया है कि तुम सुधीर निर्दलीय लड़ो हम लोग तुम्हारे साथ। काफी युवा और बुजुर्ग भी आपके साथ हैं, आपके सुर में सुर मिलाकर खड़े हैं। निश्चित निश्चित है कि कुछ तो परिवार का है कि परिवार में बड़े पापा के साथ जितने भी बुजुर्ग थे उन लोगों का आशीर्वाद है और कुछ नौजवानों के बीच में मैं चर्चित रहा हूँ तो कुछ नौजवान लोग भी मेरे साथ हैं और उन लोगों के ही दम पर तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल।